आपने देखा होगा, देसी पहलवान भी अखाड़े में कुश्ती से पहले और बाद में मालिश कराते थे, जिससे उनका शरीर तगड़ा बना रहता था। बॉडी की मालिश या बॉडी मसाज के कई फायदे होते हैं, इसीलिए सिर्फ सर्दियों में ही नहीं हर मौसम में मालिश कराई जा सकती है। वर्कआउट करने वाले लोगों के मसल्स में एक्सरसाइज के बाद जो दर्द बना रहता है उसे मसल सोरनेस या डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस कहते हैं। मसल्स पेन को खत्म करने के लिए एक चीज जो प्रभावी और सुरक्षित मानी जाती है वह है तेल मालिश। तेल मालिश से वर्कआउट के बाद के दर्द या नॉर्मल बदन दर्द को भी खत्म किया जा सकता है। एसेंशियल ऑयल या हर्बल तेल से मालिश करना शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। मालिश में प्रयोग होने वाला तेल स्किन में गहराई तक जाता है एवं अंदर से राहत पहुंचाता है। तेल मालिश के लिए कुछ ऐसे आवश्यक तेलों का प्रयोग करना चाहिए जो दर्द को कम करने में मदद करे। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको मांसपेशियों में दर्द और मसल सोरनेस को कम करने वाले तेलों के बारे में बताने वाले हैं, जिनसे आप मालिश करा सकते हैं। अदरक का तेल। अदरक खाना तो शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता ही है, साथ ही साथ यह बदन दर्द में भी काफी आराम पहुंचाता है। इसका दर्द निवारक तेल ऐंठन, गठिया और जोड़ों की सूजन के लिए बहुत प्रभावी होता है। अदरक के तेल को हमेशा नारियल के तेल के साथ मिलाकर पतला करना चाहिए और उसके बाद इससे शरीर की मालिश करनी चाहिए। अदरक के तेल से अच्छी मालिश करने से मसल्स स्टिफनेस कम होती है और दर्द भी कम होता है। अदरक में मौजूद जिंजरोल अपने एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है, जो अदरक के तेल को शरीर के दर्द के लिए एक आवश्यक तेल बनाता है। नीलगिरी का तेल। नीलगिरी का तेल अपने एंटीऑक्सीडेंट और जीवाणुरोधी गुणों के कारण जाना जाता है। यह साइनस की समस्या को दूर करने और सर्दी का इलाज करने की क्षमता भी रखता है, लेकिन वहीं इस तेल में एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है, जो कि मसल्स को थकान और दर्द से आराम दिलाती है। साथ ही साथ यह तेल ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार करता है, जिससे बदन दर्द खत्म होता है। लैवेंडर का तेल। लैवेंडर का तेल भी मसल्स के दर्द में काफी फायदेमंद माना जाता है। इसे दर्द निवारक तेल के रूप में भी जाना जाता है। लैवेंडर का तेल सिर, गर्दन और पीठ दर्द के अलावा बदन दर्द को कम करने में काफी इफेक्टिव होता है। लैवेंडर के तेल को वैसे तो नाक से सांस के द्वारा खींचा जाता है, लेकिन शरीर के जिस हिस्से में दर्द हो रहा हो उस हिस्से में इस तेल से मालिश भी की जा सकती है। रात में लैवेंडर के तेल की मालिश करने से काफी अच्छी नींद आती है और यह प्राकृतिक रूप से बदन दर्द को ठीक करने में मदद करता है। पिपरमिंट ऑयल। पिपरमिंट ऑयल की मालिश गठिया, माइग्रेन और मांसपेशियों में दर्द को कम करने में मदद कर सकती है। यह एक सदियों पुरानी टेक्निक है जो अभी भी काफी कारगर है। पिपरमिंट ऑयल ऐंठन को कम करने के लिए जाना जाता है। लैवेंडर के तेल के साथ मिलाकर मालिश करने से अधिक फायदा मिल सकता है। कैमोमाइल तेल। कैमोमाइल एसेंशियल तेल है जो कि बदन दर्द को कम करता है। इसमें भी एंटी स्मासमोडिक और एंटी इंफ्लेमेटरी दोनों गुण होते हैं, जो सूजन या मांसपेशियों में ऐंठन के कारण होने वाले दर्द को खत्म कर सकते हैं। सूजन और दर्द को कम करने के लिए यह तेल स्किन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है। साइटिका या स्लिप डिस्क जैसी कंडीशन में भी इफेक्टिव एरिया में इस तेल से मालिश करने से काफी आराम मिलता है। बाजार में दो तरह के कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल उपलब्ध है। एक है रोमन कैमोमाइल एसेंशियल तेल, जो हल्का होता है, जो कूल और रिलैक्सिंग इफेक्ट प्रदान करता है। दूसरा प्रकार जर्मन कैमोमाइल तेल है। यह स्ट्रांग होता है, जिसका उपयोग सूजन, गंभीर मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों या हड्डी के दर्द में किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके भी मसल्स में दर्द या सोरनेस है तो मालिश करने वाले से इन तेलों से मालिश कराएं, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। अगर कोई और कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही हेल्थ से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।